ऐसे ही एक बार हमको भेजा उड़ीसा में जाओ तुम। चलो जाते हैं। उड़ीसा में गए, गुरुदेव का विजिट था, फर्स्ट विजिट। और ठीक है, जिनके यहाँ रुके थे उन्होंने एक गाड़ी ड्राइवर दिया था, ड्राइवर का नाम हरी भैया। रोज दो हार लेके आते थे, एक गुरु जी को चढ़ाते थे, दूरा जगन्नाथ जी को चढ़ाते थे मंदिर में। और फिर हमको दीदी आप गुरु जी से हमारा अर्जी लगा देना कि हम जो भाड़े की टैक्सी चलाते हो ठीक से चल जाए, क्योंकि मेरा भाई छोटा है, पढ़ रहा है इंजीनियरिंग, मैं तो पढ़ा नहीं। तो हम कहते थे अरे भैया आप जो हमको बोल रहे हो वो गुरुदेव को बोल दो। तो वो फोटो के सामने देख के बोलते थे अरे ये तो छवि है ना। हम कहते नहीं नहीं आप बोलो। अरे नहीं ना दीदी ठीक। ऐसा करते करते गुरुदेव आने का वक्त हो गया। पूरी में सत्संग था, और सत्संग के बाद हमारी जो थी कल्पना उससे कई गुना ज्यादा लोग आए, और साधु संत महात्मा भी इतने थे। जैसे सब खत्म हो गया, वहां विष्णु याग हुआ, उसके बाद गुरु जी जब जा रहे थे उन्होंने किसी से बोला मुझे 100 रुपया देना। 100 रुपया लेके ऐसे अपनी वेस्टी में डाल दिए, और फिर गुरु जी आ गए, और पीछे देखे तो 200-250 लोग उनके पीछे। गुरुदेव ने कहा इतने सारे लोग हमारे पीछे। गुरुदेव दौड़ लगाई और थोड़े आगे गए, उसके बाद गुरुदेव दिखे ही नहीं। तो हमको चिंता हो गई क्योंकि ऑर्गेनाइज हम लोग ने किया था कि गुरुदेव जाएंगे कहाँ। गुरुदेव चले गए टैक्सी स्टैंड, वहां वो हरी भैया भी थे उस टैक्सी स्टैंड में, क्योंकि हमको वापस ले जाना था। तो इतनी गंदी सी गाड़ी एम्बेसडर, क्योंकि हम उसका रोज इस्तेमाल करते थे पब्लिसिटी के लिए, सब कुछ चढ़े थे, बैनर वैनर सब अंदर पड़े थे ऐसे। अब इतनी सारी गाड़ियां थी, गुरुदेव बिल्कुल वही गाड़ी के आगे गए और नॉक किया ग्लास। तो वो तो अपना उड़िया भजन सुनते थे। अब 2-3 बार जब नॉक किया उन्होंने एकदम से देखा, उन्होंने कांच नीचे किया, बोले दरवाजा खोलो हम गुरुदेव हैं हमको बिठाओ। तो एकदम घबरा गया वो गुरुदेव, आते से उसको ड्राइविंग से एकदम बगल में बैठ गए। बैठ गए उसने दरवाजा, बोले दरवाजा बंद करो कांच चढ़ाओ हमारे पीछे लोग हैं। बोले हमको सर्किट हाउस ले जाओ। वो हर भैया हमको दिन में 25 बार सर्किट हाउस से ग्राउंड पे लेके आते थे, भूल गए। बोले गुरुदेव हमको सर्किट हाउस का रास्ता मालूम नहीं, पहले बोले हमको गाड़ी चलाना नहीं आता, भूल गए। क्या घबरा गया तो गुरुदेव उसके कंधे पे हाथ, बोले अरे नहीं ना ऐसे कैसे, से सेल्फ मार के दिया। देखो तुम्हारी गाड़ी तो चल रही है, अब थोड़ा सा हिलाओ हो जाएगा। हाँ गुरु जी हाँ गुरु जी। बोले चलो सर्किट हाउस। गुरु जी हम रास्ता भूल गए। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, पहले तो ये ग्राउंड से बाहर निकालो, फिर थोड़ा सीधे जाएंगे, फिर राइट में मुड़ जाएंगे, फिर वापस सीधे जाएंगे, फिर राइट में मुड़ेंगे, फिर सीधा जाएंगे, तो आ गया सर्किट हाउस। हाँ गुरु जी हाँ गुरु जी। अब जैसे सर्किट हाउस के पीछे जैसे गए, वो पोर्च के अंदर गाड़ी खड़ा रहा, हम भी किसी का गाड़ी में बैठ के पीछे पीछे। तो एक गाड़ी निकली बड़ी शार्पली, तो कुछ है अंदर, तो भागे। गुरुदेव उतर के ऐसे खड़े रहे बाहर, तो बाहर से वो भी ऐसे चल के गुरुदेव के पास, ऐसे गुरुदेव हमसे क्षमा, हमको क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। चिंता मत करो, क्यों क्षमा मांग रहे, कुछ भूल नहीं हुई तुमसे। फिर धीरे से वो 100 का नोट निकाला और फिर हमको दिया। बोली देखो आज तुमने हमको पार लगा दिया इस इतनी भीड़ से, है ना, तो ये अपने पास प्रसाद के तौर पे रखो, है ना, आज तुमने हमको पार लगा दिया, और आप अभी तुम्हारा गाड़ी भी ठीक चलेगा। देखो ये प्रश्न हमसे कर रहे थे, दीदी हमारा गाड़ी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, और गुरुदेव ने डायरेक्ट उनको उत्तर दिया, ठीक है कि अब तुम्हारा गाड़ी भी ठीक चलेगा। तो ये है कि किसको 100 का नोट देना है पहले ही तय था। यज्ञ से जैसे उठे किसी के पास से, गुरुदेव बोला 100 का नोट देना, राइट। तो गुरु वो शक्ति है, वो दृष्टा चेतना है, वो सब कुछ देख रही है, और हमको क्या चाहिए, हमारी क्या जरूरत है, वो सब उसको पता है ना। केवल एक ही चीज की जरूरत है, हमारे और गुरु गुरु के बीच में क्या होना चाहिए,
असीम प्रेम भक्ति, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। ये सारा कुछ किस नेटवर्क में हो रहा है, हमको अगर कृपा का अनुभव हो भी रहा है, लेकिन वो नेटवर्किंग क्या है? भक्ति।